हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इस टॉपिक के भी आपको पांच पार्ट्स करने होंगे, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, और रेयरर टू डेंसर के 3 केसेस आएंगे और डेंसर टू रेयरर के 2 केसेस हमें करने होंगे। और जैसा आपने लेंस फोर्मुला में किया था वैसा ही सेम प्रोसीजर होगा। एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान से कि क्या क्या स्टेप है, कैसे करना है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट आपको बातों का ध्यान रखना है, एक केस अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी 4 केसेस आपके आराम से हो जाएंगे। टोटल 5 केसेस करने हैं, जिसमें कि 3 रेयरर टू डेंसर के होंगे और 2 डेंसर टू रेयरर के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक मीडियम को सेपरेट करने के लिए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमारी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर की साइड नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर के अपोजिट साइड में रखा है। ये हमारी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है, रेयरर मीडियम को भी और डेंसर मीडियम को भी। रेयरर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने μ1 ले लिया और डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2। अब ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो देख रहे हो बच्चों आप, इसका सेंटर किस साइड बनेगा, राइट साइड, और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड। और ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन सब के बारे में आपको पता है। ये MM' क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, XY है अपर्चर, P है पोल, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड O इज ए पॉइंट। अभी तक हम ऑब्जेक्ट को कैसा ले रहे थे, एक एक हाइट वाला ले रहे थे, बट अब हम ऑब्जेक्ट को कैसा लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया इट इज ऑफ पॉइंट साइज। अब आपको ध्यान से इसका रे डायग्राम समझने क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज, यहां से रे गई और इंसिडेंट हुई एट एन एंगल ऑन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जाकर इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल। अब ये आपकी इंसिडेंट रे है बच्चों, इंसिडेंट रे है, आपको एक नॉर्मल चाहिए होगा ताकि आप ये पता कर सके कि ये रिफ्रैक्ट होके जा कहाँ रही है उस सेकेंड मीडियम में। तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है आपको पता है बच्चों, सेंटर में से पास होता है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है इस सरफेस पे, वहीं से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो इस सेंटर में से पास हो रहा। समझ रहे हो बच्चों, क्या है, एक सरफेस है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे आके इसने इंसिडेंट किया, हमें यहाँ नॉर्मल चाहिए था और इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाने के लिए सेंटर से नॉर्मल पास होता है तो हमने ऐसे कर दिया, ये हमारा नॉर्मल। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी तक हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे ऐसे, है ना, कि रेयरर टू डेंसर आ गया है तो बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधा जाने की बजाय मुड़ गई। अब हमारी सरफेस थोड़ी सी ऐसे कर्व शेप की हो गई है तो हमारा नॉर्मल भी कैसा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ये हमारा नॉर्मल है और नॉर्मल ने इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाया वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये आ रही है एक मीडियम को दूसरे मीडियम में क्रॉस करते हुए, तो कैसे पास होगी, जाना था इसमें ऐसे सीधा, अगर यहाँ पर कोई मीडियम दूसरा ना होता तो ये चुपकर कैसे सीधा चली जाती, बट अब ये गई रेयरर टू डेंसर तो इट विल बेंड, आपको पता है रेयरर टू डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये आपकी अब कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। रे डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स आर। सिंपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए हमने ये रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। बस पहले ऐसे ड्रॉ करते थे, अब हमने थोड़ा उसको कर्व शेप है तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो गया, तो बेसिक वही है इसका। अब इसके बाद हम इस डेरिवेशन में क्या करना है, ये तो रे डायग्राम तो हमारा क्लियर हो गया, अब हमें करना क्या है, इसमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि जब रे रेयरर टू डेंसर जा रही है तो क्या क्या उसके इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी आपको एक दो ट्रिक्स के बारे में ध्यान से मतलब समझना पड़ेगा और उसको माइंड में रखनी पड़ेगी ये डेरिवेशन करने के लिए। सबसे पहली ट्रिक तो क्या है आपके लिए कि आपको ये 3 एंगल याद कर लेने हैं, पहले तो कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा, इमेज कौन सा बनाती है,
बीटा और सेंटर कौन सा बनाता है गामा। एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट कौन से एंगल बनाता है, अल्फा, इमेज, बीटा एंड सेंटर गामा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये तीनों ही किसके साथ बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। आई एंड आर क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई और आर की वैल्यू अल्फा, बीटा एंड गामा की टर्म में फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम करेंगे क्या, ये हमारी सेकेंड ट्रिक है कि फाइंड आउट करनी है, करेंगे क्या, सिंपल मैथमेटिक्स रूल का आपको फॉलो करना है। क्या कहता है, एक रूल आपने मैथ्स में किया होगा कि ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है, सपोज ये एंगल ए है, वो अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के क्या होगा, इक्वल। दैट मींस ए किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी। उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, यही इसमें मेन चीज है जो आपको समझनी है कि कैसे करना है क्या नहीं, उसके बाद डेरिवेशन आराम से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप आई एंगल समझ चुके हैं, ये रहा आई एंगल, ये आपका आई एंगल है और ये कहां बन रहा है, इस डॉटेड लाइन और इस सॉलिड लाइन के बीच में। अब आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस तक लेकर आओ, देखो तो क्या ये आपको एक ट्रायंगल बनती हुई नहीं दिख रही। इस पॉइंट को नाम दे दो टी, ए ओ सी। ये जो ट्रायंगल बन रही है इसके बाहर कौन सा एंगल है, आई एंगल है। देख रहे हो बच्चों, यहां बना देते हैं ए ओ सी, यही एंगल आपका आई था ना। तो ये पूरी एक ट्रायंगल जो बनी, ये आपका इसका बाहर वाला एंगल आई हो गया। तो आई किसके इक्वल हो गया, बाहर वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। दैट मींस आई किसके इक्वल हो गया बच्चों, अल्फा प्लस गामा। ये वैल्यू हमारे पास आई की आ गई। अब उसके बाद ऐसे ही सेम आर की फाइंड आउट करनी है। आर के लिए यही देखो आप, ये रिफ्लेक्टेड ऐसे गई थी, तो ये भी तो हमारी एक छोटी सी क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। इसमें अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है आर, ये वाला एंगल कौन सा है बीटा, और बाहर वाला एंगल कौन सा है गामा। देखो रूल तो रूल है, अब आर बाहर नहीं है, आर अंदर है, कोई बात नहीं। रूल क्या कहता है, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। दैट मींस गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और आई किसके इक्वल आया था, अल्फा प्लस गामा, बट हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो आर किसके इक्वल हो गया, गामा माइनस बीटा। तो सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, रे डायग्राम क्लियर, और आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, वो हम इस रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है। अब उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में आपको पता है रे जा रही है फ्रॉम रेडर टू डेंसर, तो आपने रूल किया हुआ है ना, म्यू वन और जो भी इसमें साइन ऑफ एंगल बन रहा है, दैट मीन म्यू वन साइन आई किसके इक्वल होगा, म्यू टू और जो इसमें साइन ऑफ एंगल बन रहा है साइन आर। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अज्यूम कर लेंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स कि साइन आई अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है आई के, और साइन आर किसके इक्वल है आर। ऐसा हमने पहले भी किया है, हम एंगल को साइन को ऐसे हटा देते थे, उसकी जगह कोई ना कोई दूसरी वैल्यू हम पुट कर देते थे, इसको बहुत ही स्मॉल कंसिडर कर लेते थे, ठीक है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके इक्वल हो गया, आई अपॉन आर, यानी म्यू टू आर किसके इक्वल हो गया, म्यू वन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ये आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, हमने इतनी मेहनत से फाइंड आउट की है। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे आई अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू कितनी आई थी, गामा माइनस बीटा, जो भी आई है वो यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद म्यू टू आर कॉमन है, दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही म्यू वन भी अल्फा एंड गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा ही गामा बीटा अल्फा ये हमारे काम के नहीं है, हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इससे पहले भी हमने किया है टेंजेंट चाहिए होगा। तो टेंजेंट के लिए हमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा, हमने यहाँ डाल दिया एक परपेंडिकुलर बी, क्या डाल दिया बी, तो एक ए बी परपेंडिकुलर अगर हमने डाल दिया तो फिर देख रहे हो बच्चों आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी सी के साथ, और ए बी आई के साथ भी क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों के साथ आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ले रहे हो तो तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, सी के साथ भी, आई के साथ भी और ओ के साथ भी। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो हम वहां पर टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके
ये डिस्टेंस तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास इस डिस्टेंस की टर्म में वैल्यू बच जाएगी। ये डिस्टेंस हमें पता होता है कि पोल से ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पोल से सेंटर का और पोल से इमेज का। इसीलिए हमने पहले साइन हटाया, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना हमें ये डिस्टेंस पता ना हमें ये पता, तो साइन हटाया, नॉर्मल आई लाए, आर लाए, फिर उसकी जगह अब हम टेंजेंट लाए हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सब में कॉमन, बेस की वैल्यूज हमें गिवन होती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला में ही कि ये सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी टेंजेंट की वैल्यू उसकी टेंजेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पर अब हमने टेंजेंट पुट कर दिया, टेंजेंट गामा, गामा की जगह बीटा की जगह टेंजेंट बीटा, अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा, एंड गामा की जगह टेंजेंट गामा। समझ में आ गया सबको टेंजेंट क्यों पुट किया, क्योंकि लेंस फॉर्मूला में भी हमने किया था, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हम टेंजेंट पुट कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस हमें गिवन होता है, हम और कोई कंपोनेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ टेंजेंट पुट कर दिया। अब टेंजेंट गामा की वैल्यू चाहिए, तो हम कौन सी ट्रायंगल देखेंगे, सिर्फ ये छोटी सी देखो, ए बी सी, और ये आपका 90 डिग्री, ये गामा, तो टेंजेंट गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस ए बी अपॉन बी सी। बट आपको पता है क्या करेंगे, अब हम बी एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑलमोस्ट जो अजम्पशन लेंस फॉर्मूला में थी वही करनी है, बस ये अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट आपके लिए न्यू है। तो हम स्टार्टिंग में मान के चल लेते हैं बी एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर बी एंड पी बहुत क्लोज है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ए पी अपॉन पी सी। और नेक्स्ट टेंजेंट बीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी आई होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लेकिन बी की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट पी आई। अच्छे बच्चों समझ जाओगे। नेक्स्ट उसके बाद ओ के लिए अल्फा चाहिए हमें, तो ये ट्रायंगल बनेगी ए बी अपॉन बी ओ, लेकिन वही बात, बी की जगह हम पी, क्योंकि सारे डिस्टेंस पी से हमें मेजर करने होते हैं। नेक्स्ट गामा के लिए, गामा की हम पहले भी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ए पी अपॉन पी सी। अब इसके लिए भी मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान रखना, गामा आपको पता है कौन बनाता है, याद कर लेना, सेंटर और अल्फा ऑब्जेक्ट और बीटा इमेज, ये मैंने अलग से भी राइट किया हुआ है। तो आपको अगर गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें सी आएगा, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ आई आएगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ओ आएगा, और गामा की वैल्यू तो सी आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू सब में कॉमन आएगी, ये परपेंडिकुलर सब में कॉमन आएगा, ये कैंसिल, क्या बच गया, म्यू टू अपॉन पी सी, म्यू टू अपॉन पी आई, ए पी दोनों में से कॉमन ले लेंगे ना, कैंसिल हो जाएगा हर जगह से ए पी, तो म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई, म्यू वन अपॉन पी ओ इज प्लस म्यू वन अपॉन पी सी। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, पांच केसेस थे, पांचों तक आप फाइनल तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहनी है इसकी, राइट कर करके देखते रहना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो हमें पी सी वाली टर्म दी है, उन दोनों को एक साथ ले, तो क्या हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, क्योंकि ये प्लस म्यू वन अपॉन पी सी है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, ये माइनस म्यू टू अपॉन पी आई है, इस साइड आ गया और क्या हो गया, प्लस, और यहाँ तो ये ऑलरेडी प्लस था, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन बी। अब हम साइन कन्वेंशन यूज करके वैल्यू पुट कर रहे हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन पी सी, पोल से सेंटर, यही तो मैं कह रही थी, ये डिस्टेंस हमें पता होता है, गिवन होता है, पोल से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, आर, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, आर, पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, बी, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, बी, और पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, माइनस यू, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जब रे जा रही थी लेयर टू डेंसर मीडियम, और कौन सी सरफेस थी उसके सामने, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बाकी के केसेस हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खुद राइट करके परफॉर्म करके एक बार देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।